काईक ना यूट्यूब आगर यही रेसीपी अपलोड एवं जाए हेनी जोटा कि मोर प्रथम यूट्यूब रेसीपी प्रथम थर पर अपलोड हो जाए। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मुझे आप सहित रजरे गोटे पोड़ पिठार रेसीपी शेयर करने को जाऊँ जेहेतु आम रज सेलिब्रेशन हो रजर सेलिब्रेशन मेन हूँ आम पोड़ पिठा ता सहित पान। मुझे आपको समस्त रजर शुभेच्छा और शुभकामना। आपण मान रज टी बहुत ही भल रहे कटू और बहुत ही एंजय करूँ। ता सहित छुट्टी सरी जाऊँ से छुट्टी में आपणकर रज टी बहुत भल भाव सेलिब्रेट करूँ जोटा कि पोड़ पिठा आउ ता सहित पान। रजरे कौन हुए ना आम पोड़ पिठा तो खाऊ सहित मीठा पान भी खाई था किंतु मुझे आप सहित जो रेसीपी शेयर करने को जाऊँ पोड़ पिठा मध्य पानर फ्लेवर पाइपर जोटा कि मुझ पान पोड़ पिठा बनवाक जाऊँ। आई होप आप आगर के बनई नए कि आगर के जान नए कहीं यूट्यूब आगर यही रेसीपी अपलोड एवं जाए हेनी जोटा कि मोर प्रथम यूट्यूब रेसीपी प्रथम थर पर अपलोड हो। आई होप आप बहुत ही भल लगे। जदि भल लगे निश्चित सेयर करूँ समस्त पाखे भिडियोटी पहुँचवा निहाती जरूरी ताल से भी बहुत ही भल भाव यार टेस्ट बहुत ही यूनिक अच्छी। आप थे निज घर करके खाइबे ताले आपण पोड़ पिठा सहित पानर फ्लेवर मध्य पाइपर। सो आई होप आ बेसी डेरी न करके मोर पोड़ पिठार देखे नौ देखो तो ये हूँ आम पोड़ पिठा केते सुंदर भाव में आम पोड़ पिठा टी बेक केते सुंदर केते यमी फुल अच्छी। आउ ए भितर हूँ आम पानर फ्लेवर दी आण पानर फ्लेवर दी तो केमती दिखाई कौन कर प्रोसेस कौन 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 सब इनग्रीडियंट दरकार आप नोट करनी। आई होप आपको भल लगे तेज चलो देखी ना आज रेसीपी। सर्वप्रथमें कौन करवा ना पान पोड़ पिठार गोटे स्टफिंग प्रिपेयर करने स्टफिंग मुझे किसी नड़िया को बहुत भल भाव में कोरिक नहीं दुईट फाड़ नड़िया कोई आपंकर पसंद अनुसार स्टफिंग क्वांटिटी अनुसार आपड़े एड करेंगे। बर्तमान गोटे स्पून मुझे चीनी को एड कली कहीं आम पानर जिते सब एसेन्स एड कराब पानर जिते सब आइटम एड कराब ना से मीठा पान जेहेतु तो मीठा पान में बहुत ही मीठा थाए तो आम से मीठा सफिसीयंट एनफ हम जोटा कि आम अधिक चीनी आम नड़िया कोरे दबा दरकार नुह तेणुक मुझे कौन करड़ केवल पा टे सोक करने बहुत भल भाव में आपको रोस्ट कर नौ रोस्ट तो नुह अल्प समय पर्यटन कुक करवा जहाँफल आम पूरा बिना पाने हम एवं बिना पाने आम दुई रू तीन दिन पर्यटन आपको स्टोर करके खाईपरि टोटाली खराब हेनी। नड़िया कोर को सब लो टू मीडियम फ्लेम या कुक करवा जहाँफल ये जल्बन जलीगले यार अलग टेस्ट आसो। बर्तमान यार फ्लेवर पर मुझे किसी अलीची को कुटिकी एड कर अलीचर चोपा को एड कर यार बहुत ही भल फ्लेवर आस कौन करल्प टिके गोलमरीच को कुटिकी एड कर जहाँफल खावाई बहुत ही भल लगे। यही सब आम ट्रिक अनुसार जब करेंगे तार फ्लेवर बहुत ही भल आसो। बर्तमान मुझे जिते सब पानर मीठा पानर आइटम को एड करेबी जेहेतु आम मीठा पान तेणुक मुझे पान मधुरी को भाजिकी एड कर किसी धनिया को भाजिकी दरगड़ा करड कर मीठा पान में धनिया बिना धनिया भल लगे किसी त्रुटि फुटी को एड कर सबू आम जिते सब मीठा पान में एड हुए आपण पाखे जहाँ जहाँ सब अच्छी सब जिनस को आपड़ी एड करेंगे मीठा पान में जहाँ भी एड हो आपको बहुत ही टेस्टी लगे कि गुआ को एड करनी कहीं गुआ देह भल न था तेणुक मुझ एड करनी आपड़ी चाहिए गुआर लच्छा को एड करें तार फ्लेवर बहुत ही भल आसो। ये हूँ आम चटनी जोड़ा कि पानर चटनी जोड़ा कि बहुत ही पानर फ्लेवर आसे एवं बहुत ही भल भाव तार टेस्ट आसे बहुत मीठा थाए। आउ ये हूँ रसुआ रसुआर बहुत ही मीठा फ्लेवर थाए एवं ये हूँ रसुआर बेल आमर अंलार टेस्ट बहुत ही भल आसे एवं बहुत ही फ्लेवरफुल रही। ये हूँ गुलकंद गुलकंद जोड़ा कि गोलापर पाकुड़ा को लेकिन ये सब रेसीपी बनी थाए जोड़ा कि आम यु जिनस आमर मीठा पान में एड हुए आपड़ी चाहिए पान मसला को एड करेंगे जोड़ा कि मीठा पान में मिक्स पान मसला मीठा पान मिक्स पान मसला को एड करेंगे जहाँफल से बहुत भल भाव नड़िया जिते सब आम ड्राई रोस्ट मिक्स सीड्स ए सब जिनस सब एड होए तो आपसे सब कुछ एड करनी जिते सब मिनिमम जिनस बहुत ही फ्लेवरफुल जिनस को एड करपर बहुत भल भाव आम नड़िया कोरा सहित बहुत भल भाव मिक्स करके यार गोटे प्रिपेयर करनवा स्टफिंग आपण को जदि यार एसेन्स जानवाक चाहती कि फ्लेवर केत अनुसार अच्छी चाहती तालोले आपर टिके नहीं टेस्ट करेंगे टेस्ट कालापर आप जानपरेंगे केते टेस्टी अच्छी आर फ्लेवर कौती कमी अच्छी जदि कौती कमी अच्छी आपड़ से जिनस को पुणि थे एड करेंगे पूरा परफेक्ट अच्छी। बर्तमान मुझे चेरी को एड करी
चेरीकु साइड रे रखि नै छी मु एई हाफ कप रे हाफ कप मु गोविंद भोग राइस को मु एथरे बहुत भलो भाबरे बतरै कि रखि दिली 3 रो 4 घंटा बतरै कि रखि दिली अल्प टिके पानी देकि पूरा फाइन पेस्ट करिन पोड़ पिठार जंतुनी बनेबा पई मु हाफ कप रे गोटे हाफ कप हमरो नैथिली मु गोविंद भोग राइस आपन जदि चाहिबे बासमती राइस को मध्ये नै परबे किबा आपन को पाखरे ए दिटा राइस जदि नै ताला आपन कोन करिवे ना अरुआ चाउल को मध्ये नै परबे जोडा कि हमरो पिठा होउची जेहेतु हमरो हाफ कप रे मु मेजर करके नहीं तेणुक मु 1 कप जोड़ा कि फुल कप रे मु 2 कप क्षीर को एथरे एड करनी छी जदि आपन जो कप रे आपन मेजरमेंट करके चावल नहीं थे सही कप रे आपन 4 कप को क्षीर एथरे एड कर परबे क्षीर रो टिके थिकनेस टिके बोलिया रहबा दरकार जा फले रे खाइबा पई बहुत ही टेस्टी लागिबो आउ बहुत ही रिचनेस आसीले हमर पिठाटी बहुत ही फ्लेवरफुल मध्ये रहबो वर्तमान क्षीर को बहुत भलो भाबरे फुटिबा पई दबा क्षीर टिके गरम हे कि आसला बेले को मझरे मझरे चलो न देबा आउ मु एथरे 1/3 कप मु एथरे किछि कंडेंस मिल्क आउ 1/4 कप मु एथरे चीनी को एड करनी छी जदि आपन कंडेंस मिल्क एड करबा को चाहंतनी ताहाले 1/2 कप आपन एथरे कोन करिवे ना जो कप रे आपन मेजर करकि चावल नै तबे तारा हाफ कप आपण एथरे चीनी को एड करि परिबे जेतु मु कंडेंस मिल्क को एड करूची तेन करी मु चीनी रो क्वांटिटी के कम रखी छी ए सब को एड करबा परे बहुत भलो भाबरे गोळी नबा एवं बहुत भलो से हमर खीरो को अल्प अल्प करे कि बॉईल हबा पई दबा वर्तमान पोडो पिठा रो आण रे मध्ये बहुत भलो भलो फ्लेवर आसीबा पई मु एथरे किछि अळीच गुंड आ अल्प किछि लुणो को एथरे एड करि नै छी जे कोनोसी मीठा आइटम रे जदि लुणो को एड हुए ताहाले तारा फ्लेवर दिगुण बडी जाय ये होची पानपत्र गोटे पानपत्र को मु सेई चावल बटा रे मध्ये एड करी कि बहुत भलो भाबरे बाटी नउ छी देखंतु पानपत्र बाटिबा परे आमर चाउलर आण केते सुंदर भाबरे देखा जाउची एवं जाफळरे आमर पानर फ्लेवर मध्ये आमर पोडो पिठार आणरे मध्ये आसी जीवो तो एही बळी भाबरे लो टू मीडियम फ्लेम रे याकु चलो नथिबा एवं बहुत भलो भाबरे आण को मध्ये बहुत भलो से गोळी नबा आ अल्प किछि मु एथरे तेल को एड करि नउची आपण जदि चाहेबे एथरे गुआ घी को मध्ये एड करि परिबे तार बहुत ही भलो फ्लेवर आसे किंतु मते गुआ घी अपेक्षा तेल टिके बहुत भलो लागे तेणु करी मु तेल को एथरे एड करि नउची आपणकर पसंद अनुसार गुआ घी किंबा तेल को एड करि नेबे बहुत भलो भाबरे कंटिन्यूअसली याकु गोळी नउथिबे जाफळरे ये बिंडा बांधिबनी जदि बिंडा बांधि देबो ताहाले मध्ये किछि असुविधा नै आपण स्पैचुला साजरे बहुत भलो भाबरे तार बिंडा को फिटै पारिबे देखंतु केते सुंदर भाबरे थिकनेस को आसी गलानी एभळी भाबरे मु स्पैचुला साजरे बिंडा को बहुत भलो भाबरे टिके प्रेस करकि ताकु बहुत भलो से गोळी नेबी जाफळरे हमर बिंडा मध्ये बहुत भलो भाबरे रिलीज हेइ जइबो एवं हमर आणटी बहुत भलो भाबरे सॉफ्टनेस को आसी जइबो एभळी प्रोसेस रे आपण जदि करिवे आपणकर ये होची हमर खीर पोड़ पिठार प्रोसेस आपण जदि चाहेबे पान खीर पोड़ पिठा मध्ये एथिरे करि परिबे एथिरे केवल किछि काजू किंबा किछि किसमिस किंबा आपण जे कोनोसी काटिकि रखिथिबा नडिया को मध्ये यानरे एड करि परिबे याकु मध्ये डायरेक्ट जदि बेक करिवे ताहाले मध्ये आपण पान खीर पोड़ पिठा मध्ये रेसिपी पाइ परिबे किंतु याकु बहुत ही भलो फ्लेवरफुल करबा पाए मु आपण मानक सहित आगु को मोर स्टेप्स सब मु आपण शेयर करबि देखंतु हमर पोड़ पिठार आणटी बहुत भल भाव प्रिपेयर हो सारी या साइड रखि ना जो पैन रे आमे बेक करिबे ना से पैन को मुझे तेल साजे बहुत भल भाव ग्रीस कर ग्रीस कर ना पर जेहेतु आमर कदमी पत्र सब पोड़ पिठा को बेक करा जाए जेहेतु आमर पान पोड़ पिठा तो पानर फ्लेवर बहुत भल आसपाई मुझ पान पत्र को किसी ये भाव सेप काटी नहीं जेहेतु बहुत बड़ पान पत्र तो से ही पान पत्र को काटने पर किसी तेल को एड कर नहीं आदि चाहिए घी को एड करेंगे आण को आम बहुत भल भाव स्प्रेड कर ना जेहेतु आमर आण को बहुत भल से स्प्रेड करें तार टेक्सचर बहुत ही भल आस बेक बहुत भल हम पोड़ा बहुत भल से हे खाला बेलू बहुत ही भल टेस्ट आसव देखापी बहुत सुंदर गोटे लेयर दबा पर मुझे कौन करी ना आमर जो मिक्सर स्टपिंग कराई से स्टपिंग को मुझे एड कर पानर फ्लेवर जो स्टपिंग कराई जोटा कि नड़िया गुड़ और आम पानर जिते सब फ्लेवर एसेन्स जिते सब चटनी को एड करके गुलकंद को एड करके आम स्टपिंग बनाई है स्टपिंग को एड कर किसी फ्लेवरफुल करने किसी चेरी कोड करे आमर बाटर को एड कर ना जोटा कि आम क्षीर पोड़ पिठार बाटर जोटा कि पानर फ्लेवर अच्छी ताकू एड कर ना एड करने चारिपट साइड रू सिल हाँ पर्यटन आम बहुत भल भाव सिल करवा जहाँफल आम पान पोड़ पिठार तलपट लेयर और मझीर से मसला पानर मसला लेयर आउर को बहुत भल भाव पुणी थे पान क्षीर पोड़ पिठार लेयर को आसीजी जहाँफल स्टपिंग बहुत भल से ऊपर लेयर मझीर लेयर और तलर लेयर मध्ये बहुत भल भाव बेक हो हाथ साजे कि स्पून साजे बहुत भल भाव गरम थी तेणुक आप केयरफुली पानी हाथ होकर बहुत भल भाव चिकन करेंगे किंबा जदि चाहिए तेल हाथ होकर बहुत भल भाव चिकन करें मुझे तेल यूज करुच्ची तेणुक तेल तेल आपरे एड करने कौचे आपड़ी घी को यूज करती है घी को एड करेंगे बहुत भल भाव चारिपट साइड रू सिल करने गैस बहुत भल भाव 5-10 मिनट कुक होगापी देवी तापर गोटे तावा रखिकी पुणी
ପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତଳ ସାଇଡ଼ଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଆମର କୁକ୍ ହେଇସାରିଛି। କୁକ୍ ହେବା ପରେ ୟାକୁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ବହୁତ ଭଲସେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ହିଁ ୟାକୁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟି ବହୁତ ଭଲସେ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ବେକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ବେକ୍ ହେବା ପରେ ତା'ର କଲର୍, ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତେ ୟମ୍ଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି କେମିତି ବା ନ ହେବ, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ପାନର ଫ୍ଲେଭର୍ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠାର ଫ୍ଲେଭର୍, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାନପତ୍ରର ଫ୍ଲେଭର୍, ତ ପାନ ହିଁ ପାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରଜ ପାନ ସହିତ କ୍ଷୀରପୋଡ଼ା ଦୁଇଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ପିଠା ସହିତ ପାନର ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେଇକି ପାନ ପୋଡ଼ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ୟମ୍ଫୁଲ୍ ୟମ୍ଫୁଲ୍ ଆପଣ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ ସବୁ ପିଠା ସହିତ। ଆପଣ ଏଇ ପିଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ବେକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଭାଜିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିପାରିବେ। ଇଏ ଭାଜିବା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବେକ୍ କରିବା ପରେ କାଟିନେବେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ କାଟିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାର ଲେୟରିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ବି ଟିକିଏ ଉଷୁମ ଥିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାଟିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳେ କେମିତି ଆମର ଛେନାପୋଡ଼କୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଛେନାପୋଡ଼ର ଟେକ୍ସଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ପୋଡ଼ିବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମିଠା ପାନ ସହିତ ଯଦି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଚର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସବୁବେଳେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇନେବେ। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନ କୁକ୍ କଲେ ବି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାନ ଫ୍ଲେଭର୍ ପସନ୍ଦ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରଜରେ ଯଦି ଯିଏ ପାନ ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ତ ରଜର ପାନ ସହିତ ରଜର ପୋଡ଼ପିଠା ୟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ପାନ ପୋଡ଼ପିଠାର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଏଇ ରେସିପିକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଗାଇସ୍, ସି ୟୁ ସୁନ୍।